प्रधानमंत्री मोदी ने किसान नेताओं को दी बातचीत की पेशकश, कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार, कृषि मंत्री का प्रस्ताव अब भी लागू। प्रधानमंत्री ने कहा कृषि मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार करके बैठक के लिए आगे आए किसान नेता, विपक्ष से भी किसानों से बात करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र को लेकर की सर्वदलीय बैठक, कहा किसान नेताओं से मैं केवल एक फोन कॉल दूर हूँ। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सभी पार्टियों ने कृषि कानून पर चर्चा की मांग रखी। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल, कहा किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर 31 जनवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अंबाला कुरुक्षेत्र समेत 14 जिलों में इंटरनेट बंद, 30 जनवरी शाम 5 बजे तक केवल वॉइस कॉल कर सकेंगे। गाजीपुर बॉर्डर को फिर दोनों तरफ से बंद किया गया, NH-24 और NH-9 पर रोका गया ट्रैफिक। किसान नेता बलबीर सिंह राज्यपाल का सरकार पर आरोप, सिंघू बॉर्डर पर सरकार ने इंटरनेट ठप किया, कई बार बिजली और पानी भी बंद किया। 26 जनवरी के दंगे में घायल दिल्ली पुलिस के जवानों के घर वालों का ITO के पास प्रदर्शन, दंगाइयों के खिलाफ सख्त प्रदर्शन की मांग। ITO के पास शहीदी पार्क में जमा हुए दिल्ली पुलिस के परिजन, पुलिस लाइव्स मैटर के लहराए बैनर। टीकरी गांव में कांग्रेस नेताओं का विरोध, कांग्रेस नेताओं की बुलाई पंचायत के दौरान नारेबाजी, आमने सामने आए समर्थक और विरोधी। टीकरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की, कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेश ने कहा किसानों के समर्थन में पंचायत। टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, फिर भी धरने पर बैठे आंदोलनकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का पहुंचना जारी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे, महिला कांग्रेस नेता भी मौजूद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, नेताओं को सरकार पर बनाना चाहिए दबाव, पूछा नेताओं के आने में हर्ज क्या है। किसानों के गाजीपुर बॉर्डर पर लौटने से जोश में राकेश टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर पर की नारेबाजी। किसान आंदोलन में करीब 2 महीने बाद पहली बार सिंघू बॉर्डर में टेंट खाली दिखे, कई किसान अपने घरों को रवाना। कल के झड़प के बाद सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, पुलिस के पहरे में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा हिंसा के बाद आंदोलन ने साख खो दी। अमरिंदर का रुख कांग्रेस से अलग, बोले किसान आंदोलन में वो बात नहीं रही, हिंसा होने के बाद किसान आंदोलन भटक गया। अन्ना हजारे अब नहीं करेंगे आमरण अनशन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद प्लान बदला। अन्ना हजारे के अनशन टालने की उन्होंने वजह बताई, कहा केंद्र सरकार ने किसान कानून पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, किसानों को मिलेगी फसल की वाजिब कीमत। अन्ना हजारे के अनशन का फैसला बदलने पर शिवसेना का करारा हमला, सामना में पूछा क्या कांग्रेस शासन में ही अनशन करेंगे, देश में राम राज्य आ गया है क्या। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की बैठक, 11 राज्यों में 17 किसान संगठनों ने कमेटी को अपनी राय दी। सिंघू बॉर्डर पर हिंसा में घायल SHO विनय कुमार मरमपट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे, नरेला में तैनात हैं। सिंघू बॉर्डर पर तलवार लगने से घायल SHO अलीपुर प्रदीप पालीवाल का आरोप सरवन सिंह पंडेर और सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काया था। सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा में 44 लोग गिरफ्तार, SHO पर तलवार चलाने वाला रंजीत सिंह भी पकड़ा गया, हिंसा में 6 पुलिस वाले घायल हुए थे। FSL की टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर जांच शुरू की, CCTV और मोबाइल फुटेज भी लेबोरेटरी भेजी जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद के दर्जनों गांवों के किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का दावा। लाल किले पर झंडा लगाने वाले तरन तारण के 2 लड़कों की तलाश में जलंधर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, कई ठिकानों पर रेड, नहीं मिली कामयाबी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा की, कहा कुछ जो हुआ गलत हुआ। पटना में महागठबंधन की मानव श्रृंखला, तेजस्वी हुए शामिल, कहा किसानों के खिलाफ काला कानून वापस ले केंद्र सरकार। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना, पूछा तीनों कृषि कानूनों पर चुप्पी क्यों साधे हैं नीतीश, बिहार में मंडी व्यवस्था समाप्त करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा किसानों की शहादत में 2 शब्द नहीं बोल पाए नीतीश, कृषि कानूनों पर बहस की चुनौती दी। महागठबंधन ने ह्यूमन चेन प्रदर्शन के लिए प्रशासन की नहीं मांगी अनुमति, पटना के DM ने किया खुलासा। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके में बड़ा खुलासा, जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली, खुफिया एजेंसियां दावे की जांच में जुटी। दिल्ली धमाके की जांच के लिए NIA और NSG अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्पेशल सेल ने किया क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन, घटनास्थल पर नहीं था कोई CCTV कैमरा। दिल्ली धमाके के सबूत जुटाने में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, मौलाना अब्दुल कलाम रोड पर CCTV इकट्ठा कर फुटेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी ब्लास्ट मामले में नया खुलासा, पुलिस को स्पॉट से बैटरी और तारें मिली, ब्लास्ट में टाइमर का इस्तेमाल करने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक इसराइल के एम्बेसडर को भेजी चिट्ठी में ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया, ट्रेलर में 2020 में 2 ईरानियों की मौत के बदले की बात। पिछले साल अमेरिका के ब्लास्ट में ईरान के जनरल सुलेमानी और टॉप परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई थी, अमेरिका पर लगा था आरोप। अभी तक जांच के मुताबिक रेकी के बाद स्पॉट पर मिट्टी में दबाया गया था बम, हमले के पीछे ईरान के लोगों का हाथ होने की आशंका, होटलों में ठहरे ईरानी नागरिकों की तलाश। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा, मौके से एक खाली एनवलप मिला है जिस पर टू इसराइल इन्वेस्टर लिखा है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के लिए IED में बैटरी का इस्तेमाल किया गया, ब्लास्ट होते ही बैटरी के टुकड़े हुए, टुकड़ों की तलाश कर रही है स्पेशल सेल की टीम। ब्लास्ट के बाद बने गड्ढे से पुलिस को मिले बॉल बेयरिंग और IED, फॉरेंसिक टीम को अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के निशान मिले। मौके से फॉरेंसिक टीम को गुलाबी रंग का आधा जला हुआ दुपट्टा मिला, ब्लास्ट के पिंक कनेक्शन की जांच शुरू। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आज सुबह फिर इजरायली दूतावास के बाहर मौका वारदात पर पहुंची, रोड किनारे सबूतों की तलाश की।
स्पेशल सेल की जांच में मदद करने इसराइल की टीम भारत आएगी। टीम आज पहुंच सकती है भारत। कल के ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस गाड़ियों की जगह जगह चेकिंग कर रही है संदिग्ध चीजों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाए, लोगों को संदिग्ध चीजों को न छूने की सलाह दी। इसराइल ने दूतावास के पास हुए धमाके को आतंकी वारदात करार दिया। भारत में इसराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा इसराइली दूतावास को निशाना बनाकर किया गया धमाका। इसराइल के राजदूत ने कहा जांच शुरुआती दौर में होने की वजह से अभी किसी संगठन का नाम लेना जल्दबाजी, दोनों देश काफी समझदारी से कर रहे हैं काम। भारत में इसराइल के राजदूत ने बयान जारी करके कहा जांच में सहयोग के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का शुक्रिया। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में हुआ था ब्लास्ट। इसराइल दूतावास के पास कम ताकत वाला धमाका, कोई घायल नहीं हुआ, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। मुंबई में इसराइली कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ी, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कमांडोज तैनात। अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा रद्द, दौरा रद्द होने की वजह साफ नहीं। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि आज, राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ भी पहुंचे। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अनूप जलोटा ने गाया बापू का प्रिय भजन। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल हुए। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से बहुत हैरान करने वाली तस्वीर आई। ट्रैफिक जाम से निकलने के लिए एक शख्स ने सरेआम पिस्तौल लहराई, गाड़ी पर शिवसेना का स्टिकर लगा था। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को मिला आज एनडीए की बैठक में शामिल होने का मौका। सूत्रों के मुताबिक खराब सेहत के कारण चिराग शामिल नहीं होंगे। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर पहली बातचीत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरे मुद्दों पर बात हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की जेवर एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक, जल्द शुरू होना है एयरपोर्ट बनाने का काम। 26 जनवरी को हुई परेड में जाट रेजिमेंट को सबसे अच्छे मार्च का पुरस्कार, केंद्रीय पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस की परेड नंबर 1। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मदुरई की मीनाक्षी अम्मन मंदिर में की पूजा। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, मदुरई में पार्टी नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा। 18 फरवरी से शुरू होगा यूपी का विधान मंडल सत्र, 19 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। यूपी के मुरादाबाद में आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, 3 गाड़ियों के बीच टक्कर में 10 लोगों की मौत, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। मुख्यमंत्री योगी ने मुरादाबाद हादसे पर दुख जताया, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50,000 की मदद। एमपी के इंदौर में सिरफिरे ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। इंदौर नगर निगम की शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल, बुजुर्ग को जबरदस्ती उठाकर नगर निगम की गाड़ी में फेंका, दोनों कर्मचारी बर्खास्त। इंदौर में बेटी के सामने कैंची मारकर महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में जहरीली शराब का कहर, 4 की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। मुंबई में 4 अफ्रीकी जालसाज गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। थाने के अंबरनाथ इलाके में दिन दहाड़े चाकू और बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी फरार। तीनों बदमाशों को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, 10 जनवरी को हुई थी वारदात। सूरत में कपड़ा मिल में आग, फायर फाइटर्स ने आग बुझाई, 24 लोगों को बचाया गया। कर्नाटक के कगलीपुरा में अगरबत्ती फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। नागपुर में एक कार में गाय की चोरी का वीडियो वायरल, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देश में कोरोना वैक्सीनेशन जारी, अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में एक दिन में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले आए, 137 मरीजों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में 14,808 लोगों ने महामारी को मात दी, फिलहाल 1,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक 19,58,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच, शुक्रवार को 7,56,000 लोगों का टेस्ट हुआ। देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1 फरवरी से लगेंगे टीके, केंद्र सरकार का ऐलान। दिल्ली में 9वीं से 11वीं तक के स्कूल 5 फरवरी से खुलेंगे, कॉलेज और डिप्लोमा वाले संस्थान भी खोलने की इजाजत। 1 फरवरी से जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलेंगे, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी, जम्मू में स्कूलों में की जा रही है तैयारी। मेक्सिको इस महीने भारत से मंगाएगा कोविशील्ड की करीब 9 लाख डोज, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। मेक्सिको में कोरोना की वजह से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा 1,55,000 मौतें, पहले भारत दूसरे स्थान पर था। WHO की टीम चीन के वुहान में दूसरे अस्पताल पहुंची, कोरोना के शुरुआती मरीजों का जिन्यांतन हॉस्पिटल में हुआ था इलाज। अमेरिका के ओरेगॉन में बर्फबारी में फंसी हेल्थ वर्कर्स की टीम, वैक्सीन एक्सपायर होने से पहले बर्फबारी में फंसे लोगों को कार में जाकर वैक्सीन दी गई। अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फोन किया, डेनियल पर्ल हत्याकांड में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर चर्चा। अमेरिका के ओहायो जू में आया नया मेहमान, बाघिन ने दिया दो शावकों को जन्म, चिड़ियाघर प्रशासन रख रहा है ध्यान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ और बारिश में फंसा घोड़ा और उसका बच्चा आपदा प्रबंधन की टीम ने बचाया।
अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तनातनी। हांगकांग के लोगों के लिए जारी होने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट को मान्यता नहीं देगा। इटली में बर्फ से ढके पहाड़ पर चार पर्वतारोही लापता, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कारों की बिक्री के मामले में दुनिया में नंबर वन कंपनी बनी जापान की टोयोटा, जर्मनी की फॉक्सवैगन कंपनी को पछाड़ा। भारत से टेस्ट सीरीज में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी कोच जस्टिन लैंगर से नाराज, अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट। बदलता रहता है लैंगर का मूड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के दोनों प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धानी को दी राहत। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाई।